दोस्तों नमस्कार। दोस्तों बहुत ज़्यादा गेमा गेमी में आपको पता ही है, थोड़ा सा जैसा कल हम छोटा कुबोटा लाए तो सुबह थोड़ा लेट उठे। बबलू भाई तो खैर 4:30-5 बजे खेत में राउंड लगा के लेवर को खुरपे वालियों को लगा के दूसरे खेत में चले गए थे, फिर अब आ गए। तो दोस्तों आज जो है जो अपनी किसान एग्रो की हरिद्वार उत्तराखंड 80 77 48 73 91 63 98 84 93 75 ये दो फ़ोन नंबर हैं जी भाई के। इसे कंधे पे टांग के, मतलब कंधे पे टंकी भर के, और पेट्रोल वाली जो अपनी मशीन है जी ये बहुत ही शानदार, इसे दोस्तों करेंगे अब इसे चलानी शुरू करेंगे, क्योंकि ये हमें अंदर अंदर करनी है, मतलब खेत में से बाहर से नहीं करनी है, अंदर घुस के अंदर ही अंदर अंदर करनी है, बाहर से गन्ना बहुत बेहतरीन खड़ा जी। तो दोस्तों आंधी तूफान रहा जी कई दिन, देखो नेपियर भी अपना सारा गिर विर गया, यहां से कट गया था, देखो जैसे गर्मी में कितनी जल्दी से नेपियर जो है तैयार होकर आ रहा है जी। तो ये देखें तो दोस्तों अभी काट रहे हैं थोड़ा थोड़ा, कल नेपियर ले गए थे अब कल ही ले जाएंगे, तो बहुत ही बढ़िया है जी। उधर लेवर उधर ही लग रही जी, तो सुबह किस टाइम आ गई थी ये? आ गई थी 6 बजे। अच्छा जी बबलू भाई नमस्कार। नमस्कार जी। तो दोस्तों अब दिखाएंगे बबलू भाई जो है दवाई ववाई भरेंगे इसमें चलते हुए। 5-10 मिनट पहले ही आ गई थी। तो ये इसका मतलब 5 बजे के आसपास आ गई थी? नहीं मेरे आने से पहले, मैं यहाँ आया ना 6:30-6 बजे के आसपास। अच्छा 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 6:30-6 बजे आ गई थी। तो दोस्तों बबलू भाई ने सही बताया, मुझे तो भाई का जो था 4:30-5 बजे का पता था, लेकिन दोस्तों बात वही है घर से चलते चलते निकलते निकलते भी टाइम बहुत हो जाता है। ये देखो जी गन्ने पर कलर देखें जी आप, और दोस्तों ये हमारे ही नहीं, ये ज्यादातर सभी किसान भाइयों के फसल पे कलर आया है जी गर्मी की वजह से, जो गर्मी इतनी पड़ी है बहुत ही शानदार। अब दोस्तों जैसे ही हमारे ठेकेदार साहबों को होश आया, देखो यहाँ से ये जो है नेपियर कट के जाने लगा है, अब उन्हें होश आ गया थोड़ा सा, उन्हें होश उतर गया उनके। तो यहाँ दिखाता हूँ जी आपको, जो ये हमारी लेबर हैं देखो जी कितना बढ़िया जो है गन्ने को निखारते हुए चल रही हैं। दोस्तों थोड़ा लेट हो गया ये वाले, इस पानी से पहले ही ये काम हो जाना था। तो ये 5 है जी, 5 ही आ रही हैं 2 दिन से, तो ये 5 ही खूड लेकर चल रही हैं बहुत बढ़िया तरह। ये देखें जी दोस्तों, ये तो वो है 4 दिन पुराना 0118 यहाँ से हैं जी ये खूड, और बाकी उधर 13235 है, ये जगह खाली है यहाँ की, बाकी इधर नेपियर लगा हुआ था जी पहला, ये जो भाई से लाए थे। तो ये देखें जी अब जैसा भी रहेगा दोस्तों, अभी ये जो है अभी तो अमरूद पर फल आ गया, अब तो काट नहीं रहे हैं दोस्तों, जब ये फल इसका ख़त्म हो जाएगा तो सर्दियों के बाद में जैसे गर्मी का मौसम आएगा या जब भी मौका मिलेगा फल ख़त्म होगा तब इसकी हल्की छटाई करेंगे, क्योंकि जब पेड़ पर फल आ रहा हो कभी भी पेड़ की जो है टहनियाँ वगैरह काटनी नहीं चाहिए। तो दोस्तों देखें कितना बड़ा बड़ा हो गया, अब ये इधर से करते हुए चल रही हैं जी। तो ये सारा ही हमारा ऊपर गिर गया, ये हमारी बात पहले ही तय हो गई थी कि घास बिल्कुल नहीं ले जाओगी और इसे घास को निकाल के ऊपर डाल दोगी। तो दोस्तों ये ही पड़ा रहेगा, जो इसमें से बड़ा निकल के चलेगा उसमें हल्की हल्की सी फावली लगा देंगे, क्योंकि अभी हमें जो है इस गन्ने को करीब जो है पेड्डी के बराबर करना है, तब जाके हमें इसमें हल्की हल्की जुताई शुरू करनी है। तो ये देखें जी बहुत शानदार गन्ना ये हो जाएगा, धीरे धीरे होने की उम्मीद है। और दोस्तों अगर जेड पट्टी कामयाब होती है तो ये डबल लाइन और ट्रेंच और डबल लाइन और रिंग पिट, ये तीनों का मिश्रण है जी गन्ना, और बाकी गेहूं का गन्ना ट्रेंच का कभी भी जो है किसानों को खुश नहीं करता था, तो हमने जो है रिस्क लिया है जी, दोनों खेतों में जो है 60 इंच से भी ज़्यादा के खूड हैं। तो अब देखते हैं जी आगे कैसा होता है, सभी जो है अपना जो है सपोर्ट बनाए रखें, चलते हैं जी बबलू भाई के पास में स्प्रे कर लेते हैं। दोस्तों 2 दिन से मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत ही बेहतरीन हवा चल रही है जी, कहीं ना कहीं बारिश जरूर हुई है, शायद इधर उत्तराखंड की तरफ बारिश हुई है। और दोस्तों आज एक कमाल और हुआ जी, कल बिजली जैसे भाग गई होगी कल शाम से बिजली नहीं आई हमारे वाली। अब दोस्तों मुझे पानी की बोतल जो है लेवर के लिए दूसरे ट्यूबवेल पर से लाने पड़ेंगे जी, जो इधर से मेरठ की तरफ से आती है। तो दोस्तों ये धोरा भर गया जी, इसमें 38 हो गया, 14201 हो गया, दोनों मिक्स हो गए जी। हाँ ये 97.09 का खूड चला गया, बाकी इधर भी हो गया, वैरायटी चल रही है जी धीरे धीरे। ये देखें जी पेड्डी तीसरी बार की कैसी घनघोर हो रही है, ये पेड्डी ख़त्म हो गई थी दोस्तों, सुंडी ने ऐसा ख़त्म कर दिया था, इन्होंने काफ़ी लेट दवाई करी लेकिन ठीक ठाक हो गया। अब ये बारिश की भी इंतज़ार कर रही है,
ये तो दोस्तों पहली बारिश पे ही तैयार हो जाएगी, बहुत बढ़िया। बाकी दोस्तों चल रहे हैं जी वहाँ, नवीन वाली चल रही है वो, मेरठ वाली जो है। दोस्तों अभी यहाँ आ गए हैं जी, और इसमें जो है अपनी किसान एग्रो सुजो मैक्स 4 स्ट्रोक में भर रहे हैं जी ये, इसकी मैं ऐसा खोल ली है। और दोस्तों इसमें बबलू भाई से बात करते हैं। बबलू भाई नमस्कार, क्या दवाई डाल रहे हैं जी? भैया आज जो है दवाई है PBC एग्रो कैम की रेनो एक्स, और दूसरी दवाई है काइजीन, ये वाला प्रोडक्ट है। अच्छा, इनका दोनों का स्प्रे करेंगे। जो अपनी पिड्डी में कहीं कहीं मक्खी सी दिख रही थी, क्योंकि अपने आप हमारे चक्र में तो ज़्यादा मक्खी वक्खी है नहीं, हमारे पड़ोसियों के खेत में है, ये लोकल ब्रांड की दवाई लगा रहे तो वो एकदम तो लगा बहुत ज्यादा। हाँ। और वो फुसफुस बदबू सी कर कर अगले दिन खत्म खत्म। तो तितली उनकी तो रुक, वहां से तो भाग जाएंगी, बदबू हो जाएगी। हाँ, वो यहाँ बढ़ जा, क्योंकि हम ज्यादातर बदबूदार दवाई करते नहीं। बिल्कुल। तो दोस्तों यही चीज है, देखो बढ़िया रंग आ रहा है जी फसल पे, धीरे धीरे चल रहा है काम। तो दोस्तों यही है, आप जो है एक एक सीढ़ी चढ़ते रहो, एकदम से यूं नहीं है कि आप या तो खेत में आके नहीं झांक रहे या एकदम ही ब्लास्ट कर रहे, तो वो मत करो, उसमें आपके भी हानि है फसल को भी। और पुनीत भाई दोस्तों लेक ऐसी लगती है जितना, मतलब उसमें छोटे वाली में पानी भर के वजन होता है इतना खल्ली में है, लेकिन एक दो टंकी में अजीब लगेगी आपको, मजा इतना होगा। हमने देखो दोस्तों 12:30, 11:30 करके बहुत मजा ले लिया, अपना ये वाला नंबर कर दिया, और देखो क्या मजा आया। और दोस्तों हर चीज की कई साल तक की गारंटी वारंटी है इस मशीन की, कुछ भी खराब हो जाएगा कंपनी बदल के देगी आपको। मौज है जी, जीवन में आनंद है, और जब गन्ना हो जाएगा और बड़ा तो उसका फॉर्मूला दूसरे वाला है फिर, बाकी यो पूरे बड़े पे कर देगी, 25 फुट गन्ने तक की इसकी क्षमता है जी करने की, मौज बांध देगी आपकी। दोस्तों अब मैं जो है इस वाले गन्ने में स्प्रे करके आ गया हूँ जी, और अब चल रहे हैं जी स्प्रे मशीन लेके। और दोस्तों ये थोड़ा सा ये कचिया चारा भी काट लिया है, क्योंकि दोस्तों मिक्स इसलिए चलाना पड़ेगा क्योंकि कुछ तो ये बड़ा हो गया है और कुछ ये इधर कच्चा खड़ा है, तो थोड़ा कच्चा थोड़ा पक्का मिला के बढ़िया रहेगा पशुओं के लिए। चल रहे हैं दोस्तों, काफ़ी बढ़िया हवा चल रही है, शानदार पछुआ हुआ। अब दोस्तों दोपहर में लू बन जाएगी, बहुत ही बढ़िया रहा जी, बहुत ही बढ़िया मशीन चली, बड़ा मन लगा। ये देखें जी मैं पसीना पसीना हो गया हूँ, अब घर जाकर कपड़े बदलेंगे। बिजली आ गई है दोस्तों, आज जो है बिजली सुबह नहीं आई थी, ये अब चली है, अब ये मान के चलो ये अब 11 बजे आई है, तो अब देखते हैं कब तक चलेगी। तो दोस्तों दोपहर में तो आने का कोई फ़ायदा होने का नहीं, शाम को 3:30-4 बजे के आसपास ही आएंगे, राउंड लगाएंगे, इतना ये खेत जो है भर जाएगा अगर लगातार चलती रही। कहीं ना कहीं दोस्तों आंधी तूफान से बाधा जरूर आई होगी, तो फिर उन्होंने जोड़ी बिजली, अब दोस्तों चारा लेकर चलते हैं। दोस्तों आ गए हैं जी घर, और अंशी ने अपना ट्रैक्टर धो लिया है जी, कुबोटा साफ कर लिया है, और दोस्तों फटाक से बिजली गई हुई है दोस्तों, नहीं तो फटाक से चारा जो है मिक्स करके काट देते, कल का आज का मिक्स हो जाता जी। अब दोस्तों इस पर ढकना पड़ेगा, मक्खी आ रही है ज़्यादा। तो दोस्तों यहाँ तक की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, धन्यवाद, जुड़े रहिए टिंग टोंग चुली बुली।